सोनभद्र के उमा गांव में 17 जुलाई को हुए नरसंहार में कार्रवाई काफी तेजी से हो रही है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बीते दिनों हुए हत्याकांड को लेकर अब जांच का दौरा शुरू हो गया है। यूपी के अपर मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक जांच समिति आज सोनभद्र पहुंची। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अनुमंडल मजिस्ट्रेट और सर्कल अधिकारी सहित 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया और वहीं 34 को गिरफ्तार किया गया। सोनभद्र के मूर्तिया के ग्राम पंचायत के उंभा गांव में 17 जुलाई को हुए नरसंहार घटना के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा गठित जांच समिति ने आज सोनभद्र का दौरा किया। जांच समिति अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार, प्रमुख सचिव श्रम सुरेश चंद्र व कमिश्नर विध्यांचल मंडल के कलेक्टर पहुंचकर जिलाधिकारी अंकित कुमार से बैठक कर घटना की जानकारी ली। बैठक के बाद टीम घटना स्थल उंभा गांव पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और घटना के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी हासिल की। टीम ने बारिश के दौरान भी अपनी जांच को जारी रखा। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार का कहना है कि इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है, इसकी जांच की जा रही है। इसकी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी। जांच अभी चल रही है, तो मैडम अभी जो कहा जा रहा था कि 1955 से 1955 की रिपोर्ट गायब होने की बात जो कही जा रही थी, तो उस पर क्या कहना? उसमें देख रहे हैं, जांच सभी पत्रालयों को की जा रही है, जो भी रिपोर्ट है हम शासन में भेज सकते हैं। मैडम किस स्तर पे गलतियां आपको नजर आई हैं? वो अभी कहने की स्थिति में नहीं है, जांच पूर्ण होने के बाद ही हम कर सकते हैं। मैडम यहाँ पर आप पीड़ितों से मिली? हाँ, तो क्या पीड़ितों ने क्या बताया आपको? वो आप सब लोग भी तो थे, आप कुछ सुन सकते थे कि क्या कह रहे थे। घटना तो गंभीर है, इसमें कोई शक ही नहीं है, तो जांच होने के बाद कौन जिम्मेदार है इसकी रिपोर्ट हम शासन में भेज सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।